दोस्तों जिन्हें भी आप हाजिर है इस पंडाल के अंदर जदों बुत की घुंड चुकाई होंगी आप जोरदार ताड़िया मार रही ने बोले सो निहाल बोले सो निहाल जी रुको भाई जकारे बस करो हेलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज जो एक नवेकड़ी रस्म अदा हो रही है उस्ताद साहब जनाब जसवंत सिंह जी पंवरा उन्हां दे आदम कद बुत तो परदा चक्या जाना ते उन्हां दे आशीर्वाद दीआं वेव सब नूं मिलणगी। सो वड्डी गल है कि ये बुत बिल्कुल सामने पंजाब दी महान कलम शहनशाह कलम प्रोफेसर मोहन सिंह जी जोरदार तालियां। सरदार प्रगट सिंह जी गरेवाल साहब भी बैठे ने। अज सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों उन्होंने माया नाज सरदार एस पी एस ओबराय सिंह जी। सो मैं थोड़े दिन पहला एक इंटरव्यू च किया सी कि एक महाभारत दे वेले दा करन होया सी महाभारत दे वेले दा करन होया सी वो अपने भार जिन्ना सोना हर मस्या नूं दान करदा सी और एक इस युग दे उस करन तो घट नहीं हैगे दान वीर योदा वीर एस पी एस ओबराय सिंह जी जिन्हां ने पता नहीं किन्ने भले दे काम कीते है। जे एक लिस्ट बनाई जाइए तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। सो मैं और सत्कारयोग पद्मश्री हंसराज जी हंस सूफी गायक उन्हां दे नाल गल कीती सी। इह गल मैं के बाबा साहब नाल भी सांझी कीती सत्कारयोग दाखा साहब नाल भी सांझी कीती। मैं कहा जी इक ओह शख्सियत दा बुत लगना चाहीदा कि वर्ल्ड दे विच किसी संगीतकार दा बुत नहीं लग्या ते जे इह कम हो गया ओबराय साहब की दुनिया च बल्ले बल्ले। सो कुलदीप माणक साहब के घर यह फाइनल होया उस दिन यह कहते बुत लगूगा। सो करोना करके कुछ होर प्रॉब्लम्स करके लेट होंदा गया लेकिन अज जो घड़ी आई है 7 नवंबर 2020। सो बहुत खुशी की गल है कि इस मौके संगीत नूं प्यार करन वालियां सारियां ही हस्तियां इत्थे बैठियां ने। सत्कारयोग महान कलम अमरीक सिंह तलवंडी साहब पंजाब दे मोहम्मद रफी पाल भाजी सुरेंद्र सेठी जी साडे अजीज प्रधान संदीला साहब इस काम दे विच जिहड़े मेरे नाल कदम ते तुरे ने पाली रेत वाली वाली। सो उन्होंने इस काम वास्ते बहुत क्योंकि एक एक हुंदा दो ग्यारह हुंदे। सो इह छोटा जिहा फंक्शन करके डीसी साहब दे इंतजार हो रही है ते इस बुत दा परदा चक्या जाना ते जद भी कदे मेले लगणगे दाता ते भगत सूरमे ज्यौंदे जग रहिंदे ने मड़ियां ते मेले लगदे लोकी गाउंदे ने। सो इह गल्लां होणगियां कदे कि इहो जिहे संगीतकारां दी याद दे विच जिथे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिता डीसी साहब
साडे केंद्रीय मंत्री भारत भूषण आशू जी, मेयर साहब और कमिश्नर कारपोरेशन सबरवाल साहब और टाउन प्लानर तक साडे नाल खड़े हुए। सो मेरे कोई लफ्ज नहीं, मैं उन्हां दा देना दे सकदा। कई कई दिन असीं मैं ते तूर साहब फिरदे रहे हैं, सिर्फ अज दे दिन दी इंतजार च भी ये काम अज होना चाहिए ते अज हो गया। पंजाब दी महान गायिका सुरां दे नाल खेडण वाली मलका गुलशन कोमल जी, उन्हां वास्ते वेलकम जोरदार तालियां। वो आए ने, मैं उस्ताद साहब के परिवार वालों उन्होंने जिया कहना, यह जिया गायक कदे कदे पैदा होंदिया ने, क्योंकि जो उन्होंने गाया मेरे को लफज नहीं है थोड़े। सो मैं उन्होंने वेलकम करना अपने परिवार वालों, भाई साहब तूर साहब साढ़े जो चेयरमैन ने, तो नाल उस्ताद लाल चंद यमला जट जी दे परिवार दी ओ गायका सरबजीत बीबी जी, कदे कदे भाभी जी भी कह दें, उन्होंने भी जी आए नूं, प्रगट सिंह गरेवाल साहब, उन्होंने नाल जो शख्सियतां बैठिया ने, एक तो मास्क पाए हुए ने, पता नहीं लगता, सारे आए लगता कि ऑपरेशन थिएटर चो बाहर आए ने। साडे बल साहब तूबियां बनाने के बादशाह मनजिंदर तनेजा साहब, फैन सुरिंदर छिंदा ग्रुप में स्टीयरिंग कर रहे हैं, हैरी भाट साहब, अश्विनी वर्मा जी, बिट्टू जी दुगाने गायकी का महान ध्रुव तारा, बुड्ढे वाली साहब, तो ना ज्यादा गल करता कि बड़े भाजी मैं घूर रहे ने। गिल साहब सुरां दा वो शहजादा जिसन तराशिया मेहनत के नाल, उस्ताद जसवंत सिंह जी पावरा ने, देखो सारे दूरों दूरों आए ने। पाली जी इन्होंने 15 दिन लेट आना सी, असी कहे गुरु जी दे बुत दी स्थापना हो रही है, कहने मैं 15 दिन पहला आऊंगा। कि करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए, सात खंड नौ दीप में गुरु से बड़ा ना कोई। ते या फिर गुरु साहब ने एक गल सुनाना सिखाई सी, इन्हां ने अपने उस्तादां नूं बहुत मन्निया माणिया, बैठा होवे जे शाह अनायत अगे बुल्ला करके हार शिंगार नचे, पत्थर पिघल के क्यों ना होण पाणी जेकर सामने यार दे यार नचे, उंज नचदी ते कुल दुनिया है ओ है नाच कादा जो बेताल नचे, बुल्ला एक अगे लुकू नचे असी बुल्ले अगे दे कई हजार नचे। सो इन्ने कहना होया मैं गाना कदे फिर नहीं, मेरी भैन जी बैठी असी इन्हां दे घरे जाके गा के आवांगे अपने साजो समान नाल। डीसी साहब तुसी साडे नाल होवोगे, साडे मेयर साहब बहुत प्यारे इंसान ने, अमेरिका तो भी मैं डीसी साहब नूं तंग करदा रहा इन्हां नूं भी। सो एक वारी उस मालक का शुकराना करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, लंगर तैयार है। सो मैं हुण ज्यादा रुकना नहीं क्योंकि तुसी बहुत जगह ते जाना होना। डीसी साहब तुहाडे फिर एक बार धन्नवादी है। एक बार पाली जी इत्थे असीं मिस्त्रियां वांगू कोल खड़ के काम कराया जी, मैं वैसे भी मिस्त्री हां ते तुसी सरिया कुटण वाले हो नहीं, शायरां नूं कुट कुट के सही सिद्धा करदे ने, क्योंकि मैं इन्हां नूं सल्यूट करना, बहिंदे सारे इन्हां ने मैनूं सिक्सर मारी, मैं कहा इज्जत करदे हो कि मेरी यह बेइज्जती कर रहे, मित्रता है भाईचारा है। सो बहुत धन्नवादी है। ते इहदे वाल हंसराज हंसराज नालों लंबे सी, ते मैनूं दूरों दिसदा सी वी सरों दे तेल नाल चुपड़े आ। शमशेर कहे कि ये मुंडा फ्यूचर की होप है, और जो इन्हें गीत सुनाया सी मैं चेते करा देना, जो भुल जाएगा तो मैं प्रेम सिंह पुरिया बन जाता, वह सी कि पीण तो मैनू रोक न साकी, यादा उस दिन कूक दियाँ बोतल विचों लपटा मार, मैनू मेरी मासूक यादा मैनू मेरे।
असल साडा मशूकड़ा तजर्बा घट है ना, इस करके भुल जाने हैं। ते ओ पदरम चन्न दा गीत सी। खुराक संगीत रूह की खुराक है और इत्थे सारियां संगीतक हस्तियां बैठियां ने। मैं अक्सर एक गल करता हूं कि संगीत की है, एक गीतकार तो पैदा होंगे, उसके बोल किसी संगीतकार के संगीत के परां ते चढ़ के गायक की आवाज नाल अंबरी उडारियां मारते। पर अक्सर की देखा जाता है कि गीतकार ते संगीतकार दोनों ही किसी टाइम ते मनफी हो जाते हैं। ये पंजाबी भवन का वेड़ा भागा है, एक पासे कलम का धनी प्रोफेसर मोहन सिंह का पुत लग्या होया, तो दूसरे पासे अज सुरेंद्र छिंदा जी की बदौलत, इन्हों के साथियों की बदौलत उस संगीतकार का पुत लग रहा है जसवंत भवरा जी का। इस तो वड्डी गल कोई नहीं हो सकती, ये साडी जागृति का एक चिन्ह। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता छिंदा भाजी का, इन्हों के सारे साथियों का। तीसरी गल, जो गुरभजन गिल वर्गे बंदे बोल जाए उस तो बाद साढ़े कोल बोलने कुछ नहीं रहता, ठीक है। गुरदास मान जी का इन्होंने जिक्र किया, तो उस तो पहले मैं एक गल होर करदा, शायद भुल गए हो, मैं तुहाडी गल कंप्लीट करन लगा, तुहाडी ही गल। सरदूल सिकंदर नूं जदों पहली बार रिकॉर्ड किया तो वह भी भावरा साहब ने किया सी एच एम बी दे विच। और खास गल यह सी, असी छत्ती का जिक्र सुने, मिर्जे के भरावां का जिक्र सुने, पर एक ही बारी जिंदगी जिक्र होया जाफरामरा। और भावरा साहब की क्रिएशन सी, भावरा साहब की तर्ज सी। भावरा साहब ने पहली बार वो तिना भरावों को गवाया से, मेरे अच्छे वर्णन भी याद है क्योंकि मैं गायक नहीं, मैं तर्ज नहीं सुना सकता। वीर तेरे की जाफरा नहीं करी मेहनत बथेरी, पर गुस्से में जट ने मनी एक ना मेरी, वरत की होनी यार अज मुख दिखला दो, मैनू भी मिर्जे यार के नाल ही दफना दो। ये पहली बार एक ही बार होया, उस तो बाद नहीं होया। गुरदास मान का जिक्र तुम कर दिता, सरदूल का मैं कर दिता, तीसरे किसी बंद का बुलाने का बिल्कुल कर देगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भागी घड़ी उस्तादा दे उस्ताद श्री जसवंत सिंह भवरा जी, उन्हों का बुत स्थापित किया गया, सारों मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही सत्कारयोग इस शहर के पहले नागरिक श्री बलकार संधु साहब जेडे कि मेयर हैं इस शहर के, श्रीमती ममता आशु जी, मंत्री साहब किसी रजेली करके आ नहीं सके, उन्होंने बड़ी इच्छा सी इस प्रोग्राम चाहन की, श्री गुरु भजन गिल साहब, और इस अलावा शर्मा जी, अश्विनी शर्मा जी, सुरिंदर छिंदा जी, और इस दे नाल गलैक्सी, अगर मैं कह दवा कि जिदा आसमान तारे चमकते ने उस तरह जिहड़े म्यूजिक दे संसार दे वड्डे वड्डे सितारे ने अज इत्थे विराजमान ने। अज वाकई बड़ी खुशी का दिन है, उस्ताद जसवंत सिंह भवरा साहब का जिहड़ा बुत अज सारियां दे सामने इत्थे रूबरू किया गया। कुछ दिन पहला छिंदा जी ये जिहड़ी रिक्वेस्ट लैके आए सीगे, मैनू इस गल का पूरी तरह नाल यकीन नहीं सीगा कि मेयर साहब मन जाणगे कि नहीं, पर मैं अज उन्होंने मूँह ते गल कहना चाहना है कि मैं जो मेरी उम्मीद सी उस तो किते उन्होंने फास्ट रिस्पोंस आया। उस शाम एक मीटिंग सी, उन्होंने कहा जी आप गड्डी लैके इकट्ठे चलते हैं, और ये उन्होंने अंग्रेजी च एक शब्द है मगनैनिविटी, एक खुल दिली है, फराक दिली है, मैं बहुत कदर करता है। जिहड़ी गिल साहब ने भी कही है, क्योंकि कई बार साढ़े कोल अहुदे हुंदे ने, कलम हुंदी है, फैसला लैण दा साढ़े कोल ताकत भी हुंदी है, पर कई बार आपां कागजां च भुल जांदे आ। इहदा एक तरीका इह भी हो सकदा सी भी अर्जी दे देण जी, मैं मता पाऊंगा, फिर फाइनेंस कमेटी च जाऊंगा, दूजा तीजा चौथा, इस च साल लग जाणा सी। इन्हां ने उस दिन विद इन एन आर इहदी हाँ होई, और फिर उस तों बाद तुहाडे सामणे है, छिंदा जी विदेश च गए हुए सीगे, इन्हां दे आउण तों बाद इन्हां ने इहनूं सिरे चाढ़िया। इहदा जिहड़ा सेहरा हैगा उह मेयर साहब नूं ते मंत्री जी नूं जिन्हां ने इन्नी जल्दी इस गल दी इजाजत दवाई। बाकी ये तुहाडा इत्थे एड्डी वड्डी संख्या च होना इस गल दी गवाही भरदा है। मैं आप तां भवरा साहब नूं नहीं देखिया, पर उन्हां दी जो तारीफ हंसराज हंस जी तों, क्योंकि उह जलंधर तों ही बिलोंग करदे ने, उस तों इलावा नपुद्र दे नाल बहुत ज़्यादा गुरदास मान जी का लिंक हैगा, और खुद छिंदा जी कल भावुक हो गए इस गल नूं लैके कि आपदे जिहड़ा मुर्शद हैगा
ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੀ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਰਧਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲਾ ਭਵਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਬੈਸਟ ਫੋਕ ਡਾਂਸਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜੇਤਪੁਰ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਤਵਾਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੇ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੰਡੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਰਾਓ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬਣ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬਲਕਾਰਵੀਰ ਜੀ ਡੀ ਸੀ ਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਣੇ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਮਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਆ ਬਲਕਾਰਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛਿੰਦਾਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਛਿੰਦਾਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 7 ਸਟੈਚੂ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੂਥ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੂਈਟਿੰਗ ਛੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਰਜਾਬਾਦ ਦਰਜਾ ਯਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹੀ ਦੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫੱਲਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਸੰਦੀਲਾ ਭਾਈ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਜਨ ਗਿਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।